अध्यक्ष वीपी यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10वीं का पास फॉर्मूला सीबीएसई के तर्ज पर है और क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपको सुनवा देंगे। अनुगमन कार्य में जो टीचर्स लगे हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है उनको आप कार्यभार कार्यभार मुक्त करिए और इसी तरह से कम 300-350 लोग बोर्ड से ड्यूटी लगी है तो इन चैलेंजेस के बावजूद जो है इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास रहेगा जो डेडलाइन हम 15 तारीख दे रखी है उससे पहले पहले कुछ भी हम सरप्राइज कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। 8 तारीख को यानी आज जो अंकन का कार्य भी समाप्त कर लिया और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है 15 तारीख से पहले बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने ये साफ कर दिया है कि 10वीं का रिजल्ट 15 मई के पहले आएगा। अगर आप 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले को देखें तो 12वीं का जो रिजल्ट आया है मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म होने के 1 से 1.5 दिन में बच्चों का परिणाम घोषित कर दिया गया था, तो वही कयास लगाए जा रहे कि बच्चों का परीक्षा परिणाम 10 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि मूल्यांकन का कार्य 8 मई को खत्म हो चुका है तो उम्मीद यही लगाई जा रही कि 10 मई को बच्चों का रिजल्ट घोषित होना है। इसके इलेक्शन में ड्यूटी लगने के कारण बच्चों का परीक्षा परिणाम कुछ लेट हो गया था जिसमें लाखों छात्र फंसे हुए थे और लेकिन उन छात्रों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड वीपी यादव ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों का परीक्षा परिणाम 15 मई से पहले घोषित किया जाएगा। यानी कि कयास यही लगाए जा रहे कि 10 मई यानी कि बच्चों का परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है सभी 10वीं बोर्ड देने वाले हरियाणा के परीक्षार्थियों के लिए। रिजल्ट के बारे में बात कर ले, रिजल्ट आप निकाल कैसे पाएंगे तो इसके लिए आपको अपना प्रवेश पत्र ढूंढ के रखना है, उसमें विद्यालय कोड और आपका रोल नंबर दर्ज होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट NIC पर जाकर आपको रिजल्ट निकालना है। इसके लिए वेबसाइट है hbsc.result.in या फिर hbsc.nic.in या फिर hbsc.result.government.in वाली वेबसाइट पर आप नतीजे देख पाएंगे।